तो फ्रेंड्स, मैं पूर्व और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बंस पिज़्ज़ा बनाऊंगी जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये बंस पिज़्ज़ा बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम एक बॉल लेंगे और उसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज डालेंगे, साथ ही हम डालेंगे आधी कटी हुई शिमला मिर्ची। कटा हुआ थोड़ा हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। हम इसमें डाल देंगे खूब सारी मोजिला चीज। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी हम इसमें डालेंगे के अनुसार थोड़ा नमक डाल देंगे और साथ ही हम डालेंगे एक छोटा चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स। अब हम डालेंगे एक चम्मच इटालियन ऑरिगेनो। हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच के करीब पिज़्ज़ा सॉस। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और पिज़्ज़ा स्टफिंग तैयार है। 6 बंस लूँगी जो मार्केट से मंगवाए हैं। छुरी की सहायता से पैकेट को काट देंगे और बंस को बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट वाले बंस हैं। क्या करेंगे, बंस पर चाकू की सहायता से चारों तरफ से कट लगा देंगे। बस इस तरह से चारों तरफ कट लगाते हुए सारे बंस को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। हम एक बंस लेंगे और चम्मच की सहायता से इसमें स्टफिंग भर लेंगे चारों तरफ। चारों तरफ हम इसमें स्टफिंग भरेंगे जहाँ जहाँ पर इसमें कट लगे हैं। इस तरह से हम सारे बंस को भरकर तैयार कर लेंगे। सारे बंस में हमने अच्छे से स्टफिंग भर ली है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और उसमें थोड़ा घी लगा देंगे, देसी घी। आप चाहे तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं और इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से। अभी हम पैन में बंस रखेंगे, जितने बंस इसमें आएंगे उतने बंस हम इसमें रखेंगे। हम इस पर एक लीड लगा देंगे और इसे ढककर कुक करेंगे लो फ्लेम पर। अच्छे से कुक हो गए हैं और अब हम इसकी लीड हटा देंगे और आप देख सकते हैं इसकी चीज़ जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। क्या करेंगे, बंस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाएंगे। सभी पर थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया है और अभी हम इसे एक एक करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। से बंस पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बंस पिज़्ज़ा बना है। बहुत ही अच्छे से चीज़ भी मेल्ट हो गई है। हम इसे टोमेटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बंस पिज़्ज़ा आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आप भी एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोज आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।